अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं नाज़रीन आज की अहम खबर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 10 जनवरी के दिन तिरंगा रैली निकाली गई थी शास्त्रीपुरम में। वहीं पर कुछ लोग पुराने पुल से जा रहे थे, एक रैली की शक्ल में घर वापस हो रहे थे, नारे दे रहे थे। उसी समय थोड़ी सी ट्रैफिक जाम होती है। आईपीएस ऑफिसर अविनाश मोती अपनी गाड़ी में से उतरते हैं, इस अंदाज में उतरते हैं जिस तरह के सिंघम अपनी गाड़ी में से उतर रहा है। उतरकर एक गरीब मजलूम इंसान को मार देते हैं, एक के बाद फिर दूसरे इंसान को भी लट लेकर मारते हैं। वहीं पर दूसरा इंसान हैबत में गिर जाता है और तिरंगा उसके हाथ से छूट जाता है, जमीन पर गिर जाता है। यानी सीधे सीधे अल्फाजों में यह कह दूं कि उस समय तिरंगा की बेइज्जती हुई है या तिरंगा की बेरुमती हुई है। इस तरह से बेरुमती का जिम्मेदार कौन? क्या अविनाश मोहंती इस बात को मानते हैं कि उनकी गलती की वजह से तिरंगा की बेरुमती हुई है? अब वो इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस बात को हम अविनाश मोहंती साहब के ऊपर ही छोड़ देते हैं। बहरहाल, हैदराबाद के एक नौजवान ने बंजर हिल पीएस में जाकर आईपीएस ऑफिसर अविनाश मोहंती के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अविनाश मोहंती साहब की वजह से हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा की बेरुमती हुई है। बहरहाल, पुलिस ने कंप्लेंट ले ली है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसके आगे कार्रवाई कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि अविनाश मोहंती वो एक ही आईपीएस ऑफिसर नहीं, इनके फैमिली में यानी इनके घर में ऐसे अनगिनत आईपीएस ऑफिसर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके वालिद भी एक आईपीएस ऑफिसर है और यहां तक कि मुबैना तौर पर सुनने में आ रहा है कि इनके वालिदा भी एक आईपीएस है। बहरहाल, इसी तरह एक के बाद एक ऐसे अनगिनत आईपीएस ऑफिसर इनके घर में मौजूद है। तो देखने वाली बात होगी कि अविनाश मोहंती साहब के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है पुलिस। तो ये थी हमारी आज की खसूसी खबर आईपीएस अविनाश मोहंती को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, आर एंड एस यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज़ से नजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं आर एंड एस यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436, 9063383760।